हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिस्टमेटिक एरर, रिसोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं एरर को रिप्रेजेंट करने के, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कोई भी वैल्यू है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर आया है तो उसको रिप्रेजेंट करने का वे ये होता है ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, या फिर कोई वैल्यू बी है बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी। यहाँ पर ए या बी क्या है, आपकी मेजर्ड वैल्यू है जो ये पहला ए और बी है, आपकी मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू ए, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। डेल ए क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। कोई भी वैल्यू इस तरीके से दी गई है तो आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैसे निकालना है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपका एब्सोल्यूट एरर पूछेंगे तो आपने सीधे जो डेल ए की वैल्यू है वो आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, डेल ए डिवाइडेड बाई ए एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, दैट वैल्यू विल बी रिलेटिव एरर। एंड जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एरर को परसेंटेज में लिखते हैं दैट विल बी परसेंटेज एरर। ओके, अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि दो वैल्यू, दो मेजर्ड वैल्यू जिनमें एरर है, जब हम उन दो वैल्यूज़ को, उन टू वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो उनके साथ हम एरर के साथ किस तरीके से डील करते हैं। वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो तो हमारा सिंपल है, आपको 2+3 आता है करना, आपको 3-2 की वैल्यू निकालना आता है, आपको 2×3 निकालना आता है, आपको 2/3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। लेकिन जो वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ में हमारा क्या एरर है, जो मेजर्ड वैल्यू है उनमें एरर है, तो फिर हम एरर के साथ किस तरीके से डील करेंगे उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। पहला है एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। जब दो वैल्यूज़ को जिनमें एरर है, एरर मीन्स यहाँ पे ए और बी किसको रिप्रेजेंट करें, ए और बी का मीनिंग है ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी, आपकी मेजर्ड वैल्यू में एरर है। देखिए ये मेजर्ड वैल्यू में एरर है और जब उन मेजर्ड वैल्यू को आप ऐड या सेपरेट करते हैं, उनका सम या डिफरेंस निकालते हैं, तो एरर के साथ क्या करेंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट एरर होगा वो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इनके लिए डेरिवेशन आपका नोट्स में प्रोवाइड किया गया है जो आपने समझना है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रूल्स आपको याद करने हैं वो क्या हैं। तो इन द केस ऑफ सम और डिफरेंस, जब आपकी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनके रिलेटिव एरर होते हैं, जो ए और बी का रिलेटिव एरर है उनका भी सम होता है, चाहे वो प्लस का केस हो या फिर माइनस का केस हो, दोनों के केस में जो आपका रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। ए और बी के जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हैं इनको सम, वो आपका रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर होगा, चाहे आप वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें, दोनों में ध्यान रखना है, प्लस और माइनस दोनों ही केसेस में जो आपका रिजल्टेंट एरर होगा, रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर होगा, दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। इनके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये टर्म्स और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस आपको ये रूल ध्यान रखना है कि व्हेन टू वैल्यूज लाइक ए एंड बी, दो वैल्यूज लाइक ए एंड बी जिनकी वैल्यूज में क्या है एरर है, जब उनका सम या डिफरेंस निकालते हैं तो जो रिजल्टेंट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर होगा दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। दोनों इंडिविजुअल, ए और बी के जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका क्या होगा, सम होगा। ये मत समझना कि ए माइनस बी है तो आपका एरर भी माइनस होगा, नहीं, माइनस के केस में भी एब्सोल्यूट एरर का सम ही होता है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, या कंसिडरिंग जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू ए इंटू बी और ए डिवाइड बाई बी, मीन्स आप ए और बी को या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपका जो रिजल्टेंट एरर होगा, रिजल्टेंट वैल्यू मान लीजिए जेड है, उसका जो एरर होगा उसके साथ आप कैसे डील करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपका रूल ये है
द रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिलेटिव एरर है, देखिए जेड डेल जेड आपका क्या होता है, आपका जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जेड प्लस डेल जेड, जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड विल बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड है जो आपका ये आंसर जो आपको निकालना है, एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, एंड बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल जेड, डेल ए और डेल बी, ये जेड ए और बी के एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है इनके एब्सोल्यूट एरर का सम नहीं होता है, इनके रिलेटिव एरर का सम होता है। रिलेटिव एरर मीन्स इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई जेड, ए का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल ए बाई ए, बी का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल बी बाई बी। तो इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज, जो आपके इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं उनका जो रिलेटिव एरर है उसका सम वो आपका इक्वल टू होगा रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्टेंट, रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्टेंट। सो डेल जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। ये ध्यान रखिए, चाहे आपका जैसे आपका सम और डिफरेंस दोनों के केस में एब्सोल्यूट एरर का सेम सम हो रहा था, सेम आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन दोनों ही केसेस में रिलेटिव एरर का आपका सम होगा, ये नहीं कि आपका माइनस होगा, कि आपका मल्टीप्लीकेशन में प्लस है तो आपका डिविजन में माइनस होगा, नहीं, दोनों ही केसेस में चाहे वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर डिवाइड हो रही हैं, दोनों ही केसेस में जो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स ऑफ द वैल्यूज, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब दो वैल्यूज ए और बी जिनका जिनमें आपको जिनके मेजरमेंट में एरर है उन वैल्यूज़ का आप प्लस या माइनस करते हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर का सम होता है, एंड जब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनके रिलेटिव एरर्स का सम होता है। ये दो रूल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट केस हमारा सम और डिफरेंस का था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड हमारा मल्टीप्लीकेशन डिविजन के केस में देख लिया है कि हमने एरर के साथ कैसे डील करना है। नेक्स्ट है आपका पावर के केस में, अगर आपका ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, या ए दी पावर 5 है, या ए दी पावर 6 है, या फिर बी दी पावर 7 है, तो फिर आप एरर के साथ कैसे डील करते हैं। ये वैल्यूज में क्या है, आपका एरर है, मीन्स ध्यान रखिए यहाँ पे जेड रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल जेड, एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके जेड और ए क्या है, आपके मेजर्ड वैल्यूज हैं जो कि आपके इस तरह से जिनकी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे डेल ए या डेल जेड क्या है, आपका एब्सोल्यूट एरर है, ए और जेड, ये वाला ए और जेड जो वैल्यूज होंगे ये आपकी ट्रू वैल्यूज होती हैं। यहाँ से आप अपना एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज एरर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम केस देख रहे हैं, व्हेन देयर विल बी जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर या ए क्यूब का मीनिंग क्या है, ए स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ पे ए का ही मल्टीप्लीकेशन है टू टाइम ना, ए इंटू ए, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ऐसे अगर आपका ए क्यूब होगा तो ए इंटू ए, थ्री टाइम आपका ए का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मीन्स आपका यहाँ पे कौन सा वाला रूल फॉलो होगा, जो आपने मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन वाला केस देखा है वही रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए। हमारे पास क्या था, जब दो वैल्यू ए और बी थी तो पहला डेल ए बाई ए प्लस वहाँ पे डेल बी बाई बी था, बट यहाँ पे भी हमारी दूसरी वैल्यू भी सेम ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल ए बाई ए। मल्टीप्लीकेशन के केस में जो रिजल्टेंट आपका रिलेटिव एरर होता है दैट विल बी सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इनके रिलेटिव एरर्स का सम वो आपका रिजल्टेंट का रिलेटिव एरर होगा। डेल ए बाई ए की वैल्यू अब देखिए, डेल ए बाई डेल ए प्लस डेल ए बाई ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू डेल ए बाई ए। तो यहाँ से आपको क्या, आपको इससे कंक्लूजन निकलता है, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू ए डेल ए बाई ए, मीन्स जो आपका पावर है वो टर्म आपके रिलेटिव एरर जब आप सम करते हैं, जब आप इनके रिलेटिव एरर का सम करते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अगर यहाँ पर ए क्यूब होता तो देन डेल जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू थ्री डेल ए बाई ए,
यहाँ पे a द पावर अगर 7 होता तो यहाँ पे वैल्यू होती डेल z बाई जेड इक्वल टू 7 डेल a बाई ए। मीन्स जो आपका पावर रहेगा जब आप एरर्स का सम करेंगे तो फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी टाइम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये रूल आपका थर्ड था जो आपको ध्यान रखना है। वैसे ये रूल जो ये वैल्यू फॉर्मूला जो निकाला गया है, या आपका प्रीवियस जो आपने मल्टीप्लिकेशन वाला केस देखा था, उसी को दूसरे तरीके से जब आपकी सेम वैल्यू होगी उस वे में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। फाइनली हम लास्ट में एक जनरल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। इफ़ वी हैव जेड इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, ये तीनों केसेस को कंबाइन करके एक जनरल फॉर्मूले को निकाला गया है। इफ जेड इज इक्वल टू ए दी पावर पी बी दी पावर क्यू डिवाइडेड बाई सी दी पावर आर, तो ऐसे केस में जेड का जो एरर होगा वो कितना होगा। तो सेम हमारा जो रूल है, इससे पहले हमने जो रूल्स पढ़े उसी को अप्लाई करते हुए हमारा फॉर्मूला ये निकलेगा। रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्टेंट डेल जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ए दी पावर कितनी है पी, तो पी क्या आ जाएगा आपका, देखिए मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर था तो यहाँ पर टू डेल ए बाई ए हो गया। इफ वी हैव ए दी पावर पी इट्स विल बी पी डेल ए बाई ए, इसका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा ए दी पावर पी का पी डेल ए बाई ए, प्लस आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है रिलेटिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर्स का सम होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में जो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर होगा दैट विल बी सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यूज हैं इनके रिलेटिव एरर्स का सम होगा। और यहाँ पावर है तो जो पावर है वो आपका यहाँ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। बी दी पावर क्यू का रिलेटिव एरर हो जाएगा क्यू डेल बी बाई बी, प्लस भले डिवाइड में लेकिन आपका रिलेटिव एरर का क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, माइनस नहीं आएगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले में प्लस लिखा है तो डिवीजन वाले में माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों ही केसेस में रिलेटिव एरर का आप सम करेंगे। प्लस सी दी पावर क्या आर, तो आर के आगे आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया है इनटू डेल सी बाई सी, डेल सी बाई सी मीन्स रिलेटिव एरर ऑफ दिस सी, सी दी पावर आर का नेट रिलेटिव एरर हो जाएगा आर डेल सी बाई सी। तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया है। इफ़ वी हैव जेड इक्वल टू ए दी पावर पी बी दी पावर क्यू डिवाइडेड बाई सी दी पावर आर, देन डेल जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू पी डेल ए बाई ए प्लस क्यू डेल बी बाई बी प्लस आर डेल सी बाई सी। ये जनरल फॉर्म लिख दिया गया। अगर यहाँ पे थ्री के अलावा 4, 5 कितने भी टर्म्स हो तो उन सब के रिलेटिव एरर का आप सम करेंगे रिजल्टेंट रिलेटिव एरर को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अगर दो वैल्यूज़ जिनमें एरर है उन वैल्यूज़ को हम उनका सम निकालते हैं या डिफरेंस निकालते हैं या फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं या फिर वो पावर के टर्म में है किसी भी तरीके से उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं, तो एरर के साथ डील करते टाइम हमें कौन से फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना है, देन आगे हमारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।